वेलकम टू एडुटेक गाइज। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने पार्ट टू के एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को बताया था कि वह मार्च में होगा, और यह मैंने किस आधार पर बताया था वह मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो आप उस वीडियो को चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो अभी बताने वाला हूँ वह कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, तो मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ, नए नए अपडेट लाता रहता हूँ, और वह अपडेट जो आपको मिलता रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अभी जो नई अपडेट निकल के आ रही है वह यह है कि 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी को जो आपको आपके पार्ट टू का जो एग्ज़ाम है उसका डेट शीट आपको मिल जाएगा, या आप magadhuniversity.ac.in पर जाके डाउनलोड कर सकेंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में अभी तक मगध यूनिवर्सिटी की साइट पर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ बातें हो रही है वह तो यही बता रहा है कि 16 जनवरी या 17 जनवरी को आपको डेट शीट मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वह जनवरी में हो सकेगा, क्योंकि जो है आप देखें तो इसके बाद जो है डेट शीट के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी कुछ वक्त दिया जाएगा, और फिर जो आपका सबसे पहले तो वोकेशनल कोर्स वालों का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ऑनर्स पेपर वालों का होगा। तो मैं अभी यही कह रहा हूँ कि मार्च में हो सकता है नहीं हो एग्ज़ाम, लेकिन जो है मार्च से पहले अगर होता भी तो वह फरवरी के लास्ट में होगा एग्ज़ाम, जो आपका फरवरी लास्ट में ही होने वाला। अगर आप ऑनर्स पेपर हैं वोकेशनल कोर्स वाले का, हो सकता है कि फरवरी शुरू में ही स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मगध यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को अरेंज किस ढंग से करती है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में जो है BSEB का भी एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो फिर जो है अरेंज करने में मगध यूनिवर्सिटी को यहाँ पर दिक्कत आती है, या फिर यह एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही हो जाता है। तो जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो मैं आपको और भी अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।